बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जानी एक वेब टीवी की जानब से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, ये सितारे, ये काकिशां, ये फलक, अल्लाह भर राय जिंदगानी। आज 7 फरवरी और मंगल का दिन है, और मंगल का दिन जब भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में शुरू होता है, पाकिस्तान पे जो आजकल परेशानियाँ, नौसतें और आजमाइश है, और फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, सियासी मुश्किल हैं, ये इसकी वजह से, हमारा सियासत की वजह से या किसी और वजह से, जो भी आपके जहन में हो, हमारा आधा मुल्क हमारा कट गया। पाकिस्तान दिन ब दिन तनजली की तरफ जा रहा है, और जो मुहब वतन पाकिस्तान आए पाकिस्तानी, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और हसास देखने रखने वालों के लिए एक अफसोस का मुकाम हो जाता है कि पाकिस्तान वतन अज़ीज़ को जब हम देखते हैं कि वो फलने फूलने की बजाय वो जनाब नीचे जा रहा है। तो हुकूमतें पाकिस्तान जो भी होती है, पाकिस्तान का जो भी सरबराह मुमलकत है, वो बाप की तरह होता है। और 75 साल से हमारी जनाब यक बाद ही जनाब जमहूरियत, आमरीत, जमहूरियत, फिर आमरीत और आमरीत, और आज कल जनाब एक कौमी हुकूमत जैसे PDM, 13 पार्टियाँ मिलकर बनी हुई हैं। अगर चौथी पार्टी भी इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाए तो फिर ये कौमी हुकूमत है, लेकिन सूबों में और मरकज़ में बहरहालों ने हुकूमत की। ये अलग मौजू है, बहरहाल आज हम देखते हैं कि आज के दिन की, मंगल के दिन क्या ही अच्छा होगा हमारी हुकूमत पाकिस्तान मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल दे। ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका जो बैन में मुझे अक्सर देखते रहते हैं उनके इलम में होगा। और आज शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह भी एक रवायत के मुताबिक है, और आज शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी है, और उनके वसीले से भी दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब की नेक हाजात को पूरा करे। हम आगे बढ़ते हैं कि आज जो नन्हे मुन्ने माशाल्लाह बच्चे पैदा होने वाले हैं, वालदेन उनका किन अल्फ़ाबेट से नाम रखें कि बारे बच्चे सेहतमंद तवाना रहें। तो आज मैं देख रहा था आसमान पे हमें जनाब चांद मिला, मगा नक्षत्र है जिसे जुबा मंजिल कहते हैं। ये वक्त रहेगा शाम 5:13 तक। जितने भी आज बच्चे पैदा होंगे इनका नाम अरफे ये से रखना, छोटी ये जो है जैसे यासीन नाम है उससे रखना, बायस बरकत है। और फिर चांद अपनी मंजिल चेंज करके ये मंजिल ज़ोरा में आ जाएगा शाम 5:14 से लेके, और तकरीबन ये 24 घंटे रहेगा, जिसे पूर्वा फाल्गनी नक्षत्र का नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजर देते हैं। इससे अल्फ़ाबेट मनसूब है काफ कशफ अला काफ, बेटे बेटियों के अच्छे से अच्छे नाम इससे रखे जा सकते हैं। मनजमीन का मानना है कि चांद जिस बुर्ज में हो उससे भी नाम रखना बाइस बरकत होता है। तो चांद आज हमें मिला बुर्ज असद में, और इसका जो अपना ज़ाती अल्फ़ाबेट है वो है मीम। तो मीम से भी जनाब नाम रख लें, बाइस बरकत हैं। और हम देखते हैं कि चांद जब भी बुर्ज असद में आता है तो इसके ग्लोबली क्या असरात होते हैं। ये 12 मंजिल का बुर्ज का 5वां बुर्ज है, और इसे इनाम से, मोहब्बत से और औलाद से मंसूब किया गया है। और जो स्टॉक एक्सचेंज है और शेयर्स के काम है, शऊर का इदराक का भी ये घर माना जाता है। तो इसका मालिक सितारा शम्स है, जो शाहाना जाहो जलाल का मालिक है। तो इन मामलों में दिलचस्पियाँ बढ़ जाती हैं, आपके फी ज़ुबाना जो भी आप दुनिया के जिस खत्े में भी रहते हैं इससे मुतलका मामलों में दिलचस्पी लें तो आपको सुकून और सुख और इत्मीनान की कैफियत आप पाएंगे। मज़ीद हम आगे देखते हैं कि आज किन ज़ोडिक साइन के लिए अच्छा दिन है। तो आज हमें मिला जनाब बुर्ज सौर, बुर्ज असद, बुर्ज अकरब और दलों वालों के लिए बेहतर दिन है, और जो मज़ीद बेहतरी है ये बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुमला, बुर्ज कौस और रूत वालों के लिए है। और इतिहास के लिए मैं हदिया करूँगा कि बुर्ज हमल, बुर्ज सुल्तान, बुर्ज मैदान और जद्दी वालों के लिए आज एक इतिहास भरा दिन है। आगे हम देखते हैं कि आसमान पर आज सितारों ने क्या नजरात बनाई। आज जनाब कमर और शम्स का मुकाबला है, ये शम्स और कमर का मुकाबला बड़ी आसमान पे खूबसूरत नज़र कायम होती है। चांद जनाब रोशन हो जाता है, जिसे जनाब फुल मून कहते हैं, पूर्णमाशी कहते हैं, ये चांद की 14 होती है। तो ये एक नया जोश जज्बा वलवदा अता करता है। कमर और प्लूटो का भी जनाब मुकाबला है, तो आपकी जो इमोशनल जज्बाती मामलत है उसमें एहतियात की ज़रूरत है। और अगर ये नज़रें दोनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप वो एक छोटा सा लफ्ज़ में अदा किया देता हूँ कि जोश में जनाब होश रहे तो फिर सारी मामले अच्छे हैं। ख़राब नज़रें भी आपके लिए अच्छी हैं,
और शम्स का सदका बाजरा या गंदम देना, परिंदों को डालना, चावल का टूटा पानी, ये बेहतरीन आज आपका सदका शुमार किया जा सकता है। और मज़ीद हम देखते हैं कि लकी नंबर के मतवालों के लिए आज मैंने कौन से लकी नंबर निकालने की सआदत हासिल की है। इससे कबल आपके लिए अच्छी खबर है कि हमारे इदारे की बुक इनाम लकी नंबर्स आईना किस्मत 2023 मार्केट में आ चुकी है। इसकी आप हार्ड कॉपी ख़रीद के पढ़ सकते हैं और फ़िलहाल इसकी PDF फाइल दस्तियाब नहीं है। और हमारे फरवरी का रिसाला भी जनाब मार्केट में आ चुका है, उसमें एक माह के नंबर दिए होते हैं, वो आप उससे फैज़याब हो सकते हैं। और ये उसी इनाम लकी नंबर आईना किस्मत का वो फरवरी का एक पोर्शन है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी इस बुक में कितनी मेहनत रिसर्च वर्क हमारे एस्ट्रोलॉजर करते हैं। आज के जो लकी नंबर्स हैं, आपका मकसूमी नंबर है 7 और 1, 2, 5, 6 और 8 जो है, ये आज आपके लकी नंबर हैं। आज खासे ढेर सारे नंबर हैं और आज अल्लाह ताला का जो नाम पेश करने की मैं सआदत हासिल करता हूँ, अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम, इसे 1100 दफ़ा या फिर 110 दफ़ा अव्वल आखिर 11 जला मरतबा दुरूद पढ़ के परवरदिगार को उसी के नामों का वास्ता दे के दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी नेक मासूम हाजात पूरी करे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के इतने ही शादी जाने की इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।